नमस्कार दोस्तों, नाड़ी की रसोई में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही मज़ेदार अलग प्रकार से दलिया। दलिया तो आप खाते ही होंगे, ये सुबह के नाश्ते के लिए अच्छा होता है, सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो इसके लिए हमको सामग्री क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। ये सबसे पहले एक कटोरी दलिया है जिसको हमने धुल के अच्छे से भिगो दिया था 1 घंटे पहले, और ये एक बारीक कटा प्याज है, ये एक बारीक कटा टमाटर, ये मूंगफली है जिसको हमने भून के ऐसे दरदरा कूट लिया था, ये 2 मिर्च है और अदरक है जिसको हमने बारीक काट लिया था, और ये थोड़े से मूंगफली है जिसको हम गार्निशिंग के लिए यूज करेंगे। और दोस्तों ये है दूध और पानी का मिश्रण, इसमें 1/4 दूध है और 3/4 पानी है। आप ऐसे मिश्रण को लीजिएगा बस इसके थोड़े से कलर के लिए। और उसके बाद ये हरा धनिया है जो हम लास्ट में अपने दलिया को सजाने के लिए यूज करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं स्वाद और सेहत से भरपूर। तो हमने पैन को चढ़ा लिया है गैस पे, अब हम इसमें डालेंगे घी। दलिया आप घी में ही बनाइएगा क्योंकि ये सुबह के नाश्ते में आप बना रहे हैं, तो जितना पोषण से भरपूर रहेगा उतना अच्छा है। सही घी हो जाए आप इसमें डाल दीजिएगा थोड़ा सा जीरा, जीरा चटक गया है तो इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज के साथ साथ हमको इसमें अदरक और मिर्ची डाल देना है। अब इसको चलाते हुए हमको भूनना पड़ेगा, तो चलिए इसको भूनते हैं। प्याज को हमको ज़्यादा भूनना नहीं है, बस ऐसे ही जब प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाए तो समझ लीजिए कि आपकी प्याज हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च, ये इसलिए डालेंगे ताकि इसका कलर थोड़ा सा अच्छा लगे। तो बस बहुत थोड़ी सी हल्दी आपको डालनी है और बहुत थोड़ी सी आपको लाल मिर्च भी इसमें डालनी है। इनको डाल के बस मिला लेना है थोड़ा सा, फिर इसमें डाल देना है अपनी भुनी हुई कूटी हुई मूंगफली को। इसको डाल के भी इसमें थोड़ा सा भूनना पड़ेगा। और इसके साथ ही आप इसमें डाल दीजिए टमाटर, हमारी टमाटर और मूंगफली भी भून चुकी है। अब इसी समय हम इसमें डाल देंगे अपना दलिया, जो दलिया हमने भिगो रखी थी उसको इसमें डाल देना है। दलिया को भूनना नहीं है, कच्चा ही भिगोना है और ऐसे डाल देना है और इसको थोड़ा सा चला लेना है, चला के मिला देना है इसको और ज़्यादा देर तक, फिर उसके बाद इसको भूनना नहीं है, बस इसको अच्छे से मिला लीजिए। दोस्तों आप दलिया बना के अपने घर के बच्चों को और बड़े बुजुर्गों को जरूर खिलाएं, ये उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, तो ये उनके पाचन तंत्र के लिए अच्छा होगा और टेस्ट इसका बहुत मज़ेदार होगा, तो बच्चे भी इसको खाने से परहेज नहीं करेंगे। तो बस ऐसे ही आप इसको मिला लीजिए, उसके बाद इसमें डाल दीजिए ना जो दूध था उसको। अब इसको दोस्तों हम ढकेंगे और इसके दलिया के पकने का हम वेट करेंगे। तो इसको ढक के हम दलिया को पकाएंगे जब तक इसका पानी सूख नहीं जाएगा। तो चलिए इसको ढक देते हैं, दलिया हमारी पक रही है। अब इसी समय हम इसमें नमक डाल देंगे, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा और उसके बाद इसको मिला दीजिए और फिर इसको ढक के पकाइए दलिया के सूखने तक। जैसे ही इसका पानी सूख जाएगा इसको हम उतार लेंगे। देखिए दोस्तों दलिया बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है, बस इसी स्टेज तक आपको इसको पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। अब इसी समय आप इसमें हरा धनिया डाल दीजिए, हरा धनिया डाल के उसको भी अच्छे से मिला दीजिए और अब गैस को बंद करके इसको सर्व।
तो दोस्तों बनकर तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार और खाने में बहुत ही यूनिक दलिया। दोस्तों आप इसको अगर वेट लॉस करना चाहते हैं तो अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि इसमें फाइबर ज़्यादा मात्रा में होता है, तो ये आपके पेट को ज़्यादा टाइम तक भरा हुआ रखेगा, जिससे आपके खाने की कैपेसिटी कम होगी। तो इस प्रकार से दोस्तों दलिया बनाइए, खुद भी खाइए और घर में सबको खिलाइए। तो फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।